ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 अप्रैल रविवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए रविवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज आपके उच्च स्तर के अधिकारी से संबंध बेहतर होने से अच्छी पोजीशन प्राप्त होने की संभावना बन सकती है, अच्छा धन लाभ प्राप्त होने की भी आज संभावना बन सकती है। यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों साथ ही साथ आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी और उन अवसरों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आपके पास पूरी ऊर्जा और सहन शक्ति भी होगी। आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुचारू रूप से आज आपके सभी कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतर होने की संभावना पाई जाती है। आज आर्थिक लाभ के लिए किया गया प्रयास सफल हो सकता है। साथ ही साथ आप अपने ज्ञान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बांटने में भी आप दिलचस्पी रखेंगे। आप दूसरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सामान्य से अधिक विचारशील होंगे। परिजनों से मदद पाने की आपकी इच्छा आपको सहयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों आज भविष्य के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए काफी शुभ फलदायक रहेंगी। सत्ता से जुड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कारोबार में अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है। सोच समझकर काम करें, अनुभवी लोगों की सलाह आज जरूर लें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रह सकता है। दोस्तों आज गाड़ी और घर की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो कैरियर को लेकर उतार चढ़ाव की स्थितियां आज आपको देखने को मिल सकती हैं, परंतु प्रयास करने से अच्छा लाभ प्राप्त होने की भी संभावना आज पाई जाती है। दोस्तों साथ ही साथ आपको अपने पारिवारिक सुखों में आज कुछ कमी देखने को तो मिलेगी ही, साथ ही साथ इन सभी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है जिसका विपरीत असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। आज शत्रु अंदरूनी समस्या भी हो सकता है। किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो सावधान रहने की आज आवश्यकता है। यदि किसी तरह का कोई कोर्ट मुकदमा या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो ज्यादा प्रयास ना करें, अन्यथा स्थितियां विपरीत दिशा में हो सकती हैं। दोस्तों साथ ही साथ चिंता या तनाव से आप बचें। इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिनसे निबट पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अपनी हर गलती से कुछ सीखें और अगली बार उसे दोहराने से बचें। समय प्रबंधक की जगह प्राथमिकता प्रबंधक बनें। कोई अपॉइंटमेंट या अन्य कई महत्वपूर्ण चीजें के भूलने की भी आज संभावना बन सकती है। दोस्तों बेवजह के डर को मन से निकालें और परिश्रम से कार्य में जुटें। नकारात्मक विचारों से बचें, अन्यथा परिवार में कलह होने की संभावना रहेगी। अधिक परिश्रम से शारीरिक और मानसिक रूप से थकान का अनुभव आज आप करेंगे, इसका असर रिश्तों पर पड़ सकता है, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों आज के दिन आप लोग अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे।
यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। इसके लिए स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल है, परंतु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए। प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंध आज मधुर होने की संभावना पाई जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, प्यार मोहब्बत के मामले में दबाव बनाने की कोशिश ना करें। यदि इस समय आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें। यदि नई रिलेशनशिप है तो उसमें कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसायिक कैरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज व्यवसायिक गतिविधियों में परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन कठिन परिश्रम से कार्यों में सफलता मिलेगी और धन लाभ की काफी अच्छी स्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र में काम के अधिकता रहने से शारीरिक और मानसिक रूप से थकान का अनुभव आज आप कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित आपको कोई अच्छी खुशखबरी आज प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय आज का काफी मिला जुला रहेगा। जी हां दोस्तों, आज का समय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा और आप पारिवारिक संपत्ति प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं, जिससे आपको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आपको अपने खानपान पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत बनी हुई रहेगी। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करनी। आज आपको अपनी सेहत के मामलों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे। दोस्तों मध्याह्न के बाद आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। दोस्तों अपने भोजन सामग्री पर आप विशेष रूप से ध्यान दें और समय निकालकर अपने लिए प्रतिदिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, ताकि आप स्वयं को चुस्त दुरुस्त बनाए रख पाने में सफल हों। इसलिए दोस्तों अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद किसी गरीब, असहाय, रोगी या फिर किन्नरों की सहायता किसी भी रूप में अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करें। या दोस्तों ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और भगवान सूर्यदेव आपके समस्त कार्यों को पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही हैं समस्त परेशानियों का अंत करेंगे और आपके जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां होंगी। या दोस्तों आप इस प्रकार किसी की सहायता अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।